नमस्कार जी, मैं नवजोत आपको अपने गांव की वीडियो दिखा रहा हूं। ये मेरा गांव है छोटा सा। अभी हमने गेहूं काटी है। गेहूं काटने के बाद थोड़ी सी ये हमने अपना जो खेत है, एक जिसको हम खेत भी कहते हैं, डक्का भी कहते हैं, ये ट्रैक्टर से वो आया है, इसको हम कहते हैं कि इसकी जुताई करवाई है। अब जुताई के बाद इसको एक दो दिन के लिए लगेगी, उसके बाद हम यहाँ पर जो चावल की फसल लगती है उसकी यहाँ पर हम पनीरी लगाएंगे। अच्छे से इसको साफ कर अच्छे से इसको इसका घास निकाल कर सब कुछ। और यदि आपको दूर दिख रहा होगा, ये जो आपको जूम कर बताते हैं, ये हमने आज अपने खेतों में जो गेहूं कटने के बाद मशीन से गेहूं कटवाया था, तो काफ़ी मशीन ऊपर से काटती है, तो उसके बाद जो नीचे रह जाता है उसका कूड़ा करकट, उसमें आग लगाई थी। आग लगने के बाद ये चल रहा है, अभी वहाँ से धुआं उठ रहा है। यहाँ पर हमने जहाँ से ज़्यादा धुआं उठ रहा है, यहाँ पर हमने जो भूसा होता है गेहूँ का, कुछ गेहूँ मशीन से कटवाई, कुछ हाथों से कटवाई, ताकि थोड़ा सा जो भूसा होता है जो कि जानवरों के काम आता है, वो भी हम ज़रूरत होती है उसकी, तो वो यहाँ पर भूसा था, इस कारण यहाँ से ज़्यादा धुआं निकला। बाकी खेत जल चुका है और ये जो भूसा था जहाँ जहाँ वहाँ से ये अभी खेत जल रहा है। तो ये छोटा सा हमारा गाँव है। गाँव का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, ये हमारा छोटा सा गाँव है। ये देखिए, ये पानी आ रहा है, एकदम साफ शीशे की तरह पानी है। ये हमारी मोटर है जिससे जो पानी आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी है, बारिशें नहीं हुई, इसलिए मोटर का पानी अभी कम है, साथ में बिजली भी कम आती है। जैसे जैसे बारिशें होंगी, लाइट ज़्यादा होगी, तो ये पानी भी अच्छा आएगा। ये देखिए, पानी सीधा खेतों में जा रहा है। आज देखिए मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, और हमने हवा चल रही थी इसलिए खेतों में आग लगाई। तो इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई मेरा ब्लॉग नहीं है, ये नया चैनल बनाया है, बनाया काफ़ी पहले का है, मगर कभी कोई ब्लॉग बनाने की नहीं सोची थी। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया, लॉकडाउन है, कहीं आ जा ज़्यादा नहीं सकते, तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बनाते हैं और अपना गांव दिखाते हैं। ये देखो, मैं आपको अभी अपने घर के, ये हमारा पुराना घर है दादा दादी का, तो यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा नाला है जिसमें जब हम चावल लगाते हैं, चावल की फसल लगाते हैं, इसमें पानी आता है। ये दूर हरियाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोगों ने मोटर से, इसको हम बरसीन कहते हैं, स्टाला कहते हैं, जो पशुओं के काम आता है, वो लगा रखा है। ये देखो चारों तरफ से, काफी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो जो ये जो ऊपर की तरफ की जमीन बता रहा हूँ, ये जो ज़मीन है ये सूखी है, यहाँ पर बाजरा वगैरह होता है, यहाँ चावल नहीं होते यहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं लगता है। और ये जो इस तरफ ये जो सफ़ेदा दिख रहा है, इसके जो आगे की ज़मीन है, यहाँ पर नहर का पानी आता है नाले के ज़रिए, और यहाँ पर हम चावल लगाते हैं। ये दो हमारे आम के पेड़ हैं जिस पर आम लगे हुए हैं। आगे पार दूर भी घर दिखाई दे रहे हैं, दूर कहीं ये मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें लोग पूजा करते हैं। तो पहली वीडियो है, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और क्या करें इसमें कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी एक और कोई दूसरी वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।